सेक्स में दोनों पार्टनर कैसे तृप्त होंगे, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कहता है कि काफ़ी सारे लोग हमारे पास में जब आते हैं बोलते हैं कि हमारी मैरिज जो है तो वो एकदम ऐसे कगार पर आई हुई है, हमको डिवोर्स लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा कारण है कि भाई मेरी पत्नी संतुष्ट नहीं है, वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे मज़ा नहीं आती है और इसलिए मुझे सेक्स करने में इंटरेस्ट ही नहीं और मैं जा रही। तो होता क्या एक्चुअली कि जब हम पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनको कोई प्री मैच इजैकुलेशन नहीं है। प्री मैच इजैकुलेशन इसका मतलब शीघ्र पतन, वो उसको नहीं है और तभी भी वो अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा क्या है? देखिए होता क्या है कि लोगों के दिमाग में प्री मैच इजैकुलेशन के बारे में काफी सारी गलत फहमियां हैं, पति में और पत्नी में दोनों में भी। लड़कियां भी देखती है ब्लू फिल्म्स, पॉर्न वीडियोज, फ्रेंड्स को पूछती है और पति भी पूछते रहता है अपने लोगों को कि भाई कितने देर तक संभोग चलना चाहिए, और वो तो अपने फंडे बताते रहते, वो ऐसे ब्लफ करते रहते, बोलते मेरा 10-15 मिनट चलता है, कोई बोलता आधा एक घंटा चलता है। पॉर्न वीडियोस में वो ही देखते कि भाई आधा आधा एक एक घंटा सेक्स चल रहा है और उनको लगता है कि फिर मेरा 1 या 2 मिनट में डिस्चार्ज हो रहा है तो मेरा शीघ्र पतन है। और फिर लड़की को भी मतलब पत्नी को भी वही लगता है, फीमेल पार्टनर को, कि भाई इनका शीघ्र पतन हो जाता है और मुझे सुख नहीं मिलता। तो फिर सेक्स में दोनों ने, पति पत्नी ने संतुष्ट होना जरूरी है, और वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर दोनों में अनबन होना शुरू हो जाती है। एक तो जल्दी डिस्चार्ज हो गया करके पति खुश नहीं है, मेल पार्टनर खुश नहीं है, और वो यदि खुश है, उसका जल्दी डिस्चार्ज नहीं भी है, तभी भी उसको संतुष्टि नहीं है पत्नी को, और वो नाखुश है, तभी इसके लिए क्या करे? तो होता क्या है कि मुझे लगता है कि दोनों में भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली सेक्स क्या होता है, उसमें तीन अलग अलग पार्ट हम देखते हैं। एक है कि उसको उत्तेजना का पहला पार्ट है, जिसको मेंटल एक्साइटमेंट आती है, और वो कब आती है? हो सकता है कि वो शाम को जब घर लौटता है, ऑफिस से घर में आता है, या घर में 6-7 बजे घर पे आने के बाद में भी वो दिमाग में चालू रहता है कि अपने को रात को सेक्स करना है, तो उसके दिमाग में विचार शुरू हो जाते हैं तब से। हो सकता है कि 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले सेक्स के विचार दिमाग में आना शुरू हो गए होंगे, और तब पत्नी को मालूम ही नहीं कि सेक्स करना है, या उसके दिमाग में भी नहीं, वो तो खाना बना रही। फिर दूसरा जो चरण है वो है फोर प्ले। जब दोनों एक साथ सोते हैं तो फोर प्ले होता है, एक दूसरे को स्पर्श करना, भाव में लेना, किसिंग करना, जो भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं काम क्रीड़ा, और वो 5 मिनट से लेके 25 मिनट, आधा घंटा चल सकती है, और दोनों को उसमें मजा आता है, एक दूसरे को एक्साइट करना, एक दूसरे को स्टिम्युलेट करना, एक दूसरे को उत्तेजित करना, ये प्रक्रिया में होता है काम क्रीड़ा में। तो ये दोनों स्टेजेस जो है उसके बाद में आता है एक्चुअली यौन संबंध बनाना, मतलब एक्चुअली लिंग का योनि में प्रवेश होना। तो योनि का लिंग में प्रवेश तभी होना चाहिए जब फोर प्ले पूरा हो गया है, मतलब काम क्रीड़ा में दोनों भी संतुष्ट है, दोनों को बहुत एक्साइटमेंट आई हुई है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आई हुई है, और लिंग का योनि में प्रवेश तभी करना चाहिए जब फीमेल पार्टनर बोलती है कि नहीं आप अभी सेक्स करो, मतलब उसकी उत्तेजना आती है, उसको रहा नहीं जाता है, और वो बोलती है कि नहीं अभी आप सेक्स करो। ऐसे जब वो बोलती है, इसका मतलब वो है कि अभी वो काफी उत्तेजित हुई है और वो डिमांड कर रही है। तब उसके बाद में यदि लिंग का योनि में प्रवेश होता है और वो 1-2 मिनट में यदि वो डिस्चार्ज हो जाता है तो दोनों भी खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। यूजली होता क्या है कि फीमेल पार्टनर को मालूम ही नहीं है सेक्स करना है नहीं करना, उसके दिमाग में भी नहीं है, वो खाना पकाती है, खाना खाते हैं, वो सब दिन भर की थकी हुई उसके अपने बच्चों की इसमें है और वो बेड पे जाती है। इधर हस्बैंड जो है वो दिमाग में उसके चालू है कि अपने को सेक्स करना है, फोर प्ले में उसको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो जल्दी सेक्स करना है, एक्चुअली यौन संबंध बनाने का है, और एक्चुअली उसको एक्साइटमेंट आता है और वो सेक्स करता है, उसका डिस्चार्ज हो जाता है, और वो जब डिस्चार्ज होने के बाद में एक्चुअली जब सेक्स हो जाता है या अलग हो जाते हैं तब कभी स्त्री का एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है एक्चुअली, और उसको एक्चुअली तब चाहिए सेक्स शुरू रखना, और जब सेक्स शुरू रखना ऐसा जब पत्नी को चाहिए, फीमेल पार्टनर को चाहिए, तब मेल पार्टनर अलग हुआ होता है क्योंकि उसका तब तक डिस्चार्ज हुआ रहता है। एक्चुअली उसका डिस्चार्ज जो है वो 1-2 मिनट में डिस्चार्ज हुआ है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसने फोर प्ले बराबर नहीं किया, फोर प्ले जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, जितनी उत्तेजना देना चाहिए फीमेल पार्टनर को उतनी उत्तेजना नहीं दिया, क्योंकि फीमेल पार्टनर को उत्तेजना को टाइम तो लगेगा ही, और फिर ऐसे अवस्था में फिर
मेल पार्टनर खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, फीमेल पार्टनर होती नहीं, उसको मजा आता नहीं है, फिर उसको लगता है कि ये कि अपने पास में आते हैं, खुद को खुश कर लेते हैं और बाद में दूर हो जाते हैं, मुझे तो कुछ मजा आया ही नहीं, या जब मजा आना शुरू हो गया तो वो अलग हो गए, तो फिर धीरे धीरे उसकी मजा निकल जाती है, उसका इंटरेस्ट सेक्स का निकल जाता है। तो इन शॉर्ट ये हमको देखना है कि सेक्स में दोनों को संतुष्टि आने के लिए उत्तेजना, मतलब पहले बातें करना, एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में पूछना, एक दूसरे की दुनिया में जाना, बाद में फिर सेकंड स्टेज आती है फोर प्ले करना, फिर बाद में एक्चुअली यौन संबंध बनाना, ऐसे स्टेजेस में से गए तो दोनों को संतुष्टि मिलेगी, दोनों खुश हो जाएगी। कुछ जो अर्ली इजैकुलेशन जो होता है, प्री मैच इजैकुलेशन, वो रहते हैं पहले से ही, मतलब शुरू से ही उनका जल्दी हो जाता है, प्राइमरी प्री मैच इजैकुलेशन, और दूसरा है सेकेंडरी प्री मैच इजैकुलेशन। तो प्राइमरी प्री मैच इजैकुलेशन जो है वो हो सकता है कि केमिकल्स का इतना ज़्यादा स्त्राव होता है दिमाग में उस समय, और केमिकल का ज़्यादा स्त्राव होने से वो जल्दी गिर जाता है, तो उसके लिए SSRIs जो है, मेडिसिंस, दवाइयाँ, वो काम में आती है। और फिर सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, उसमें देखना पड़ता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं। फिर बाकी मैंने अलग अलग वीडियो में बताया, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक्स है, केजल्स एक्सरसाइजेस है, मेडिसिंस है, ऐसे अलग अलग उसमें जो मैंने बताए हुए ट्रीटमेंट्स है वो लेना, तो फिर बहुत उससे फायदा होता है। तो ये हम करते हैं तो दोनों को भी सेटिस्फैक्शन होगा, और सबसे ज़्यादा महत्व का, एक बार यौन संबंध हो गया उसके बाद में आफ्टर प्ले भी जरूरी है, मतलब एक बार डिस्चार्ज जाता है उसके बाद में आफ्टर प्ले करना भी जरूरी है, जो भी फीमेल पार्टनर को चाहिए रहता है, जो भी उनकी उनका इंटरेस्ट उसमें रहता है और उनको चाहिए रहता है, तो वो यदि आफ्टर प्ले करते हैं उसमें उसको मजा आती है, और फिर दोनों भी इंटरेस्ट से सेक्स कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, उम्र के 45-50 साल के बाद में काफ़ी सारे लोग मेरे पास में जो आते हैं वो बोलते हैं कि अभी मेरी पत्नी की इच्छा ही नहीं है, वो बिल्कुल ना ही बोलती है, क्योंकि उसने कभी एक्चुअली सेक्स एंजॉय कभी किया ही नहीं, जिसकी वजह मैंने ये वीडियो में बताई, तो उसने कभी सेक्स एंजॉय किया ही नहीं है, बोलती है ये आते निकल जाते हैं, तो फिर मजा क्या है, मैंने पति के लिए क्यों सेक्स के लिए हाँ बोलना है। तो आप जब उसको एक्साइटमेंट करते हो, ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने बताया फोर प्ले में, और फोर प्ले में जब आप क्लाइटोरिस मतलब योनि लिंग को एक्साइट करते हैं, योनि लिंग को टिकलिंग करते हैं, योनि लिंग को एक उत्तेजना देते हैं, तो सबसे ज़्यादा चरम सीमा उस समय औरत को आती है, लेडी को आती है, जब योनि लिंग को आप टिकलिंग करते हैं। तो पहले मेंटल उत्तेजना, मेंटल एक्साइटमेंट पहला, दूसरा फोर प्ले, कामक्रीड़ा जो करते करते आप क्लाइटोरिस को उत्तेजना देते हैं, योनि लिंग को उत्तेजना देते हैं, और तीसरा एक्चुअली यौन संबंध रखना, सेक्स करना, और चौथा आफ्टर प्ले करना। ये यदि पूरा हम करते हैं सेक्स का, तो दोनों को, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, मेल फीमेल पार्टनर, दोनों को संतुष्टि मिलेगी और दोनों को सेक्स करने में मजा आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी पति पत्नियों को शेयर करो, ज़्यादा वो लोगों को जो बोलते हैं कि पत्नी नाखुश है सेक्स करने में, उनको। थैंक यू वेरी मच।